हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको हमेशा मार्केट के साथ चलना होगा। जिस सेक्टर में टेलविंड चल रहा है उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, या जिस सेक्टर में आगे टेलविंड आने की पॉसिबिलिटी है उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल अगर लूं तो गवर्नमेंट का अभी कौन कौन सेक्टर में फोकस है, जैसे कि पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेक्टर अभी बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ऑलरेडी ये सारे सेक्टर में जो कंपनी का स्टॉक काम कर रहा है, सारे कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, ठीक है, वैल्यूएशन हाई हो गया है। लेकिन अभी के टाइम अगर आप किसी पावर सेक्टर या इंफ्रा या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको वैल्यूएशन हाई मिलेगा, सस्ता वैल्यूएशन में देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसे सेक्टर ढूंढना है जो आगे टेलविंड आने वाला है, मतलब अभी तो सस्ता चल रहा है उस सेक्टर का स्टॉक, अभी से अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फ्यूचर में बड़ा पैसा बनेगा, ठीक है। टेलविंड सेक्टर ढूंढना है जो आगे बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। एंड साथ साथ आप और एक काम कर सकते हैं, जो सेक्टर आगे बहुत अच्छा खासा ग्रो करेगा उसी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा कोई कंपनी के स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हैं, मतलब उस कंपनी का प्रॉक्सी प्लेयर, उस सेक्टर का प्रॉक्सी प्लेयर हो सकता है। उस तरह के स्टॉक को अगर आप ढूंढ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, मल्टीप्लाई रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सेक्टर की स्टॉक को लेकर बात करेंगे जो आगे बहुत अच्छा खासा टेलविंड चलने वाला है, ये सेक्टर आगे बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगा और अभी मार्केट में ठीक ठाक प्राइस पे भी चल रहा है। मे भी हो सके कि इन्वेस्टर को फ्यूचर में आने वाले 5-10 साल के अंदर मल्टीवेगा रिटर्न जनरेट करके दे। तो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, हो सके तो विदाउट इसके वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर दीजिए, एंड अगर आप सही स्टॉक को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं एवरी डे इस चैनल के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक का वीडियो लाता रहता हूं जो सही टाइम पे होता है सही स्टॉक होता है। इसलिए अगर आप प्राइस को छोड़ना नहीं चाहते, सही प्राइस पे जानना चाहते किसी स्टॉक को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। पहला कंपनी का नाम है टीना रावारेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। टीना रावारेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक रिसाइक्लिंग कंपनी है, एंड लाइफ टायर इनटू क्रम्प रबर एंड स्टील वायर रिसाइक्लिंग की कामकाज करता है। दोस्तों, जिस रबर का लाइफ एंड हो जाता है, एक्चुअली ट्रायर जो गाड़ियों में लगता है ट्रायर, उस टायर किस मटेरियल से बनता है, रबर, रबर से बनता है। और जब ट्रायर का लाइफ एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो ट्रायर खराब हो जाता है, उसको टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मार्केट से उठाता है, उठाकर उसको रिसाइक्लिंग करता है। अगर मैं लेमन भाषा में बोलूं तो वेस्ट रबर एंड वेस्ट स्टील वायर रिसाइक्लिंग की कामकाज करता है, उसको रिसाइक्लिंग करके कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जिसका डिमांड फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में रिसाइक्लिंग इस सेक्टर के अंदर अच्छा खासा टेलविंड आने वाला है। अभी से अगर इस तरह के टॉप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फ्यूचर में मल्टीवेगा रिटर्न इन्वेस्टर बना सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कमा सकते हैं। और ऊपर से टीना रावारेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का फंडामेंटल और फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। मार्केट कैप प्रेजेंट में कंपनी का 1381 करोड़ का, एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसीलिए आगे बढ़ने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ 1300 करोड़ का कंपनी है, इधर से 10,000 करोड़ कंपनी जा सकता है। 44 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, पी शायद आपको हाई लग सकता है क्योंकि एक एक्सट्रीम हाई ग्रोइंग कंपनी है, इसीलिए थोड़ा बहुत पी आपको हाई लगेगा। जैसे जैसे क्वार्टर का रिजल्ट आता जाएगा, फॉरवर्ड पी मतलब बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट में चल रहा है। इस साल कंपनी ने 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करें 18.3 चल रहा है, ईपीएस तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो कर रहा है। डेट कुछ है नहीं दोस्तों, 62 करोड़ का डेट इधर में दिखा रहा है, बहुत ही लो डेट कंपनी आप कह सकते हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से काफी नीचे चल रहा है, आधा चल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसीलिए लो डेट कंपनी टीना रावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कंसीडर किया जाएगा। प्रोमोटर के पास देखिए 73% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है। रिटर्न ओवर द 3 इयर्स 257% और 5 साल का एवरेज रिटर्न 111%। रिटर्न का बारिश हो रहा है टीना रावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में, अभी भी 1300 करोड़ का कंपनी है, मतलब आगे भी रिटर्न का बारिश ही होगा। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है,
मतलब रॉकेट के स्पीड से कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है, टीना रावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। अभी तो शेयर प्राइस 806 रुपीज के अंदर चल रहा है और देखिए टेक्निकल चार्ट पूरी तरह से ब्लू स्काई जोन में ट्रेड कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। टेक्निकल चार्ट देखिए ये पता लग जाता है, ठीक है। अगर आपको टीना रावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर प्राइस अगर 750 रुपीज पे मिल जाता है तो डेफिनेटली आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं टीना रावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर। एंड नेक्स्ट कंपनी का नाम है ईएमएस लिमिटेड, एक वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है। देख सकते हैं ईएमएस लिमिटेड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर एंड डोमेस्टिक वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के ऊपर कामकाज करता है। दोस्तों इन फ्यूचर वाटर का डिमांड फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है और सेमी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी ये वाटर ट्रीटमेंट कंपनी का जो वाटर होता है ये काम आएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी माइक्रोचिप बनाने के लिए एक अल्ट्रालाइट वाटर की नीड होता है, जरूरत होता है। वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर जो जो कंपनी कामकाज करता है वो सब अल्ट्रालाइट वाटर मैन्युफैक्चरिंग करता है। सेमीकंडक्टर सेक्टर का प्रॉक्सी प्लेयर ईएमएस लिमिटेड बन सकता है क्योंकि अल्ट्रालाइट वाटर मैन्युफैक्चरिंग करता है ईएमएस लिमिटेड। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करता है, फ्यूचर में डिमांड बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है और फंडामेंटल वाइज एंड फाइनेंशियल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है ईएमएस लिमिटेड। प्रेजेंट में मार्केट का मोर देन 2400 करोड़ का है, एक स्मॉल कैप कंपनी है ईएमएस लिमिटेड एंड 22 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। देखिए कितना बढ़िया सस्ता वैल्यूएशन पे चल रहा है, सस्ता वैल्यूएशन इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए इंडस्ट्री पी कितना 36.8, मतलब इंडस्ट्री पी से सस्ता पी अभी ईएमएस लिमिटेड का मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट में चल रहा है। इस साल कंपनी ने मोर देन 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड डेट कुछ है नहीं, 0.07 डेट टू इक्विटी रेशियो। ईएमएस लिमिटेड का बैलेंस शीट में 49 करोड़ का डेट है। मैं फिर भी क्यों डेट फ्री कंपनी से बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07, इसीलिए मैं डेट फ्री कंपनी इसको कंसिडर कर रहा हूं। प्रोमोटर के पास 69% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है एंड 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न हिस्ट्री में आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ईएमएस लिमिटेड 3 साल भी नहीं हुआ है मार्केट में लिस्टिंग, इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोनों ही डबल डिजिट में चल रहा है, मतलब बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा खासा परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। अभी तो ईएमएस लिमिटेड का शेयर प्राइस 435.95 रुपीज के अंदर चल रहा है। दोस्तों अगर ईएमएस लिमिटेड में फ्रेश एंट्री करना है तो अगर शेयर प्राइस 500 के पार जाता है, मतलब एक मेजर ब्रेकआउट पे ईएमएस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड चल रहा है, पूरी तरह से खत्म हो जाए सब कुछ अगर ब्रेकआउट आता है 500 के ऊपर अगर पार चलता है तो डेफिनेटली ईएमएस लिमिटेड में एक फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की नाम बताओ, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पे लिंक पिन कर दिया इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट गाइड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। शायद आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट होगा लेकिन आप दूसरा भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एक डीमैट अकाउंट पे आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करेंगे, पोर्टफोलियो बना के छोड़ देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरे डीमैट अकाउंट में जो फ्री में खुल रहा है जिसके ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं है उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, पोजिशनल ट्रेड लेंगे, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करके। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपया स्पेंड करते थे ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। हम कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो का हम किस तरह से रिबैलेंस कर रहे हैं, मार्केट में आगे क्या चल रहा है, आगे किस तरह से परफॉर्म करेगा, कौन सा सेक्टर में टेलविंड चल रहा है, कौन से सेक्टर में टेलविंड आने वाला है, ये सब कुछ आपको जानकारी मिलता जाएगा। मतलब अभी कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनेगा ये आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अगर आप अपने नाम पे दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आपके फैमिली मेंबर के नाम से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके ये सर्विस आप बिल्कुल फ्री में गेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कंपनी का नाम है हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड, बहुत बढ़िया कंपनी है हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड। 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, बहुत ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है अपने फील्ड में। हाई ग्रीन कार्बन एक रिसाइकलिंग कंपनी है, वेस्ट ड्राई रिसाइकलिंग कंपनी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फोकस कर रहा है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉक्सी प्लेयर बन सकता है। एंड साथ साथ कंपनी कास्टिंग, कंज्यूमर गुड्स, कॉर्पोरेट फार्मिंग, पैकेजिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर भी कामकाज करता है, पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रहा है
हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड और फंडामेंटल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप सिर्फ 429 करोड़ का है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, मार्केट कैप बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है क्योंकि बहुत बढ़िया फंडामेंटल है, बहुत बढ़िया काम काज कर रहा है अपने सेक्टर में। एंड 36 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही कितना बढ़िया चल रही है, डबल डिजिट में तो चल ही रहा है लेकिन 50% से ऊपर चल रहा है दोनों रेशियो, बहुत बढ़िया रेशियो मेंटेन हो रही है। इस साल कंपनी ने 11 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट पोस्ट किया है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करूं 5.54 चल रहा है और ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। बहुत ही लोडेड कंपनी है, सिर्फ 12 करोड़ का डेट है बैलेंस शीट में और डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से काफी नीचे चल रहा है, बहुत ही लोडेड कंपनी है। प्रोमोटर के पास 71% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोनों ही डबल डिजिट में चल रहा है, सिर्फ डबल डिजिट नहीं रॉकेट के स्पीड से हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। अभी तो 172 रुपीज के अंदर शेयर प्राइस चल रहा है, एक मेजर ब्रेकआउट का हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर शेयर प्राइस 227 के पार जाता है तो डेफिनेटली एक फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है, एक फ्रेश ब्रेकआउट पे ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अभी नहीं। दोस्तों ये था सारा स्टॉक जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करता है, जिस सेक्टर में आगे बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा टेलविंड आने वाला है। अगर अभी से सारे कंपनी के स्टॉक में नजर डाला जाए तो डेफिनेटली एक मल्टीबैगर रिटर्न बन सकता है क्योंकि पूरी ट्रेंडिंग सेक्टर से सारा स्टॉक आता है। बट किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, किसी के बातों में आके इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप खुद डीप रिसर्च नहीं करना चाहते तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प जरूर ले सकते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है। मैं बोल रहा हूं मतलब मेरे बातों में आके आप तुरंत इन्वेस्टमेंट कर देंगे ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं कि आप भी जान सके ये सारे कंपनी के बारे में जिसमें बहुत अच्छा खासा फ्यूचर है आगे बढ़ने की, ताकि आप भी रिसर्च कर सके, आप भी इस सारे कंपनी में नजर डाल सके। बट हाँ, अगर आप सही स्टॉक को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं एवरी डे इस चैनल के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक का वीडियो लाता रहता हूं जो सही स्टॉक होता है सही टाइम पे होता है। जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट गाइड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। हम कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो को हम किस तरह से रीबैलेंस कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर में आगे टेलविंड चलने वाला है, कौन से सेक्टर आगे ग्रो करेगा, कौन से सेक्टर ऑलरेडी ग्रो कर रहा है जिसमें बड़ा पैसा बनेगा इन्वेस्टमेंट करें, सब कुछ आप जान पाएंगे। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आप दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते अपने नाम से तो नो प्रॉब्लम, आपके फैमिली मेंबर के नाम से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके सर्विस आप बिल्कुल फ्री में गेट कर सकते हैं।